अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के अंदर आप कोई मर्जी लिक्विड ले लें, आप कोई भी सॉलिड ले लें या गैस ले लें, रूल एक ही सबके लिए वैलिड है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी बॉडी का तो वो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज, वो फैलेगी, एक्सपैंड होगी, एक्सेप्ट एक चीज और वो है वाटर। क्या पानी एक्सपैंड नहीं होता? पानी भी एक्सपैंड होता है, लेकिन ये कमाल की बात है, कमाल का नेचुरल फिनोमेन है कि जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठंडा, आपने उसको गर्म किया, उसको एक्सपैंड होना चाहिए कायदे से, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जब आप उसको एक्सपैंड करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से, वॉल्यूम बढ़ने की बजाय पानी का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सेप्शन है ये। देखो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, हर तीसरी चीज में बोलूँगा एक्सेप्शन है, ये केमिस्ट्री वाले भी पढ़ाते हैं वैसे, इसकी डिटेल वो समझाएंगे भी अंदर, पानी के अंदर क्या होता है, हम नहीं करेंगे इतना, बस हम कहेंगे एक्सेप्शन है। और पानी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन सदा ही डिक्रीज होता है, मतलब मैं पानी को गर्म करने उबालूंगा पानी इतना सा रह जाएगा, भाई नहीं, ऐसा नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस तक ये अजीब बिहेवियर है, एक्सपैंड होने की बजाय वो वॉल्यूम कम कर लेता है, फिर 4 डिग्री तक ऐसा चलता है, 4 डिग्री के बाद नॉर्मल बिहेव करता है, आप 4 डिग्री से ऊपर अगर इसका टेम्परेचर करेंगे तो वॉल्यूम इसका फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ 0 और 4 डिग्री के बीच में इसका अजीब बिहेवियर है, 4 डिग्री के बाद ये नॉर्मल काम करता है। क्यों, कैसे, वो केमिस्ट्री वाले पढ़ाते रहेंगे अंदर क्या हुआ इसके, हमने नहीं पढ़ना, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। तो 0 से 4 डिग्री तक इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, तो इसका वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम होता है, तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और फिर 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ सकता है कि आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर वाटर का मार्क करके दिखाएं कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो आपने ये ग्राफ करेक्ट करना है कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इतना है, 1.0013 है, जब आप 0 से 4 डिग्री पे जा रहे हैं तो देखो वॉल्यूम कम होता हुआ मिनिमम हो गया, फिर एकदम 4 डिग्री के बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ग्राफ ये मार्क करना है। और डेंसिटी का उल्टा ग्राफ है, डेंसिटी में अगर पानी की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और फिर एकदम कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस अगर होंगे तो मार्क कर लेंगे करेक्ट ऑप्शंस, ठीक। तो इसके बेस पे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इस अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसकी। देखो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, द अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हैज अ फेवरेबल अफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को फायदा है इस चीज का। कैसे, देखो जो नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियाँ वगैरह हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, जब ऊपर बर्फ जम जाती है लेक के, तो अदरवाइज तो मछली को जम जाना चाहिए ना, वो भी जम गई और मर गई, बात ख़त्म हो गई, ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा इतने ठंडे इलाके हैं जहाँ पर पानी की बहुत मोटी परत जम जाती है बर्फ़ की, लेकिन नीचे मछलियाँ अभी भी जिंदा हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसमें ना कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ ये 4 डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली चीज़ इसमें ये इन्वॉल्व है कि कोई भी चीज़, जैसे अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर ठंडी होती है, बर्फ़ कैसे जमती है, पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बर्फ़ जमने का एक सिंपल फिनोमेना है कि आप पानी लें, पानी में से हीट निकाल लें, जब आप पानी में से हीट बाहर निकालते हैं पानी का टेम्परेचर गिर जाता है। आप फ्रिज में पानी रखते हैं तो पानी में से वो फ्रिज क्या करता है, उसके कंप्रेसर लगा हुआ पूरा दिन रात चलता है, हीट निकाल निकाल के फ्रिज के पीछे फेंकता रहता है चीज़ों में से, अपने वेजिटेबल रखी जो भी सामान रखोगे हीट निकाल निकाल के बाहर फेंकेगा। ये काम इलेक्ट्रिसिटी कर रही है, कंप्रेसर करता है उसका, फ्रिज के पीछे खड़ जाए आपको गर्मी लगेगी, वो पीछे से हीट फेंकता है और बॉडीज क्या हो जाए, ठंडी हो जाती हैं। तो मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे पानी पड़ा हुआ था और आपने हीट निकालनी शुरू की, 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री -1 आ गया, बर्फ जम गई। ऐसी नेचर में होता है। तो नेचर में क्या होता है कि एक थ्योरी आएगी, प्रीवॉस थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, उसमें यह बताया जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो कॉन्टिन्यूसली हीट ले भी रही है और दे भी रही है। आपकी अपनी बॉडी भी हीट ले भी रही है इस टाइम और दे भी रही है, ये बेंच हीट ले भी रहा है और दे भी रहा है, कोई मर्जी बॉडी, दीवार हीट ले भी रही है और दे भी रही है। तो अगर मेरी बॉडी हीट ले रही है सराउंडिंग से और दे भी रही है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो इमेजिन करो कि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही थी, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना होता है, ठंडी होती है बॉडी, उबलती नहीं बॉडी। तो बेसिकली क्या होता है, बाहर से मेरी बॉडी ने हीट ली,
लेकिन जब वो रिलीज करती है तो बाहर का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, रिलीज करने के लिए बाहर का टेम्परेचर डाउन चाहिए, क्योंकि हीट विल मूव फ्रॉम अ हायर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। अब ले तो मैं ज़्यादा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दे नहीं रहा, गर्मी तो बॉडी से निकलती है पर उतनी बाहर निकल नहीं पाती जितनी मेरे को गेन हो रही है, तो मेरी बॉडी को गर्मी लगती है। गर्मियों में हम बोलते हैं गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि रिलीज हो नहीं रही और मिलती जा रही है गर्मी। सर्दी में क्या हो रहा है, बाहर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल ठंड पड़ी हुई है, अब मेरी बॉडी के अंदर गर्मी है तो वो बॉडी हीट बाहर निकाले जा रही है, लेकिन उसको मिल तो रही नहीं सराउंडिंग से, क्योंकि हीट होगी तब तो मिलेगी, ठंड तो पड़ी हुई है बाहर तो मिल रही नहीं, लॉस है, लेकिन रिलीज हुई जा रही है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मुझे ठंड लगेगी, तो मैं स्वेटर डालूंगा, जैकेट डालूंगा ताकि मेरी बची हुई हीट बाहर ना चली जाए, कहीं बचा के रखूंगा। और अगर लेने का हीट लेना और देना बराबर हो जाए तो फिर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग जितना हो जाता है, हम प्लेजेंट फील, ना गर्मी ना सर्दी फील करते हैं। ऐसे कई आजकल जो मौसम बड़ा सही मौसम चला हुआ है तो इसमें ना गर्मी ना सर्दी वाला सेम केस है, क्योंकि एनवायरनमेंट का और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक जैसा ही चल रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लो बर्फ़ जम गई, बर्फ़ कैसे जमी, मैंने क्या बताया, पानी में से हीट सराउंडिंग से जो है जाती जाती है, हवा आती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेके भाग जाती है, ऐसा होता रहता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, हवा चलती है, एनर्जी लेके भाग जाती है, एयर के मॉलिक्यूल्स, पानी ठंडा हो जाता है और फिर -डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, बर्फ़ जम गई। आइस जो है एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे हीट को ट्रेवल जब करना है तो सॉलिड में से ट्रेवल करती है, सॉलिड गर्म होगा तभी हीट जाएगी, जब बर्फ़ की लेयर जम जाती है ना तो हीट सराउंडिंग चाहता है कि पानी में से और हीट निकाले, पानी पहुंचने के लिए ऊपर बर्फ़ जम गई तो बर्फ़ पेनिट्रेट करनी पड़ेगी उससे और फिर वहाँ के मॉलिक्यूल हीट रिलीज करेंगे, जो कि मुश्किल है। इसीलिए बोलते हैं कि जो अगर आपको बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है, आपको बचना है तो बर्फ़ का ही घर बना लें, अंदर जाके चले जाएँ। तो बेसिकली क्या होता है, यही तो है, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का फ्लो उसमें हो नहीं पाएगा तो वो वार्म हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है कि यहाँ पर अब हीट जो है यहाँ से और आ नहीं रही, तो पानी का टेम्परेचर यहाँ पर तो ठंडा होगा 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नीचे जाके नॉर्मल रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो डेंसिटी उतनी रहेगी, कोई फर्क नहीं है, तो नॉर्मल है। तो जो मछलियाँ या जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो लेक के ऊपर की बजाय नीचे डेप्थ पकड़ लेती है, क्योंकि नीचे का पानी उतना ठंडा कभी मिलेगा ही नहीं आपको, नीचे का पानी वार्म मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है इतना मिलेगा, तो इसलिए वो बच जाती हैं। तो ये 4 डिग्री का कॉन्सेप्ट यही है, 1 और 4 डिग्री के बीच में, यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा 1 और 4 डिग्री के बीच में तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इसमें कम वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो ज़्यादा डेंसिटी होगी जो कि टेम्परेचर के साथ ऐसे रिलेटेड है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक ये पूरा बिहेवियर चलता है और एक्वेटिक लाइफ बच जाती है।